हल्द्वानी में सीपीयू ने आज चेकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान चेकिंग कर रहे सीपीयू दरोगा कुंदन सिंह बोरा ने बताया कि अनलॉक 5 के चलते रियायतें मिली है और इसको देखते हुए बाजार में भीड़ देखने को मिल रही है। इस दौरान लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है। देखिए, ऐसा है, एट प्रेजेंट जो हमारा उत्तराखंड है वो काफ़ी कोविड 19 की दृष्टि से काफ़ी संवेदनशील है। नैनीताल जिला आप जानते हैं जैसे कि रेड जोन में है, तो एट प्रेजेंट पब्लिक ये सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है। एक्चुअली ये अन्यथा ना लें, लाइटली ना लें इस चीज़ को। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा क्योंकि इस वक्त कोई भी वैक्सीनेशन इसके लिए नहीं बनी हुई है। अगर हम इसे लाइटली लेंगे तो भविष्य में हमें इसके खतरों से बहुत बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं और एक ज़िंदगी का चले जाना बहुत ही दुखदायी होता है किसी भी चीज़ के लिए। अच्छा सर, आज ये सड़क पे चालान हो रहे हैं 2-व्हीलर्स के, 4-व्हीलर्स के, इसका कारण क्या है? नहीं, ये चालान ऐसा नहीं है कि चालान नहीं होता है। चालान तो नॉर्मल हमारे प्रोसीजर में होते ही हैं, उल्लंघन जो सड़क यातायात का रूटीन में उनके चालान होते ही हैं। इसीलिए अभी क्योंकि ट्रैफिक का, क्योंकि अभी आप जानते हैं पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से लॉकडाउन था तो पब्लिक इतनी बाहर नहीं थी, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ खुलने की वजह से लोगों की आवश्यकताएं भी हैं, बाहर निकलना, कुछ ज़रूरी सामान लेना, किताबें वगैरह लेना है, तो इसके लिए काफ़ी भीड़ भाड़ है। अभी सड़क व्यवस्थाएं भी देखनी है और ऐसे में जो हल्द्वानी काठगोदाम टैक्सी यूनियन के सभी वाहन चालक टैक्सी स्टैंड में धरने पर बैठ गई है। यहाँ चालकों का कहना है कि लॉकडाउन होने के बाद से उनका काम ठप पड़ गया है। वहीं सरकार की तरफ से दी गई रियायतों में भी उन्हें कहीं राहत नहीं मिल रही है। यहाँ धरने पर बैठे हुए टैक्सी चालकों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर काठगोदाम टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष विक्रम अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन के बाद से टैक्सी चालकों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में एक ही दिन सफर तय करने वाले चालकों की क्वारंटीन अवधि को खत्म किया जाए, साथ ही 3 महीने की किश्तों के ब्याज में भी रियायत दी जाए। सर, मैं काठगोदाम टैक्सी यूनियन से अध्यक्ष हूँ विक्रम अधिकारी। हम यहाँ पे धरने पे इसलिए बैठे गए कि हमारे ड्राइवर जो यूपी में या रामपुर या रुद्रपुर भी अगर जा रहे हैं तो उनको 14 दिन का क्वारंटीन दे दे रहे हैं जी। और बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं और जो सरकारी विभाग की गाड़ियाँ, यहाँ से रोडवेज की गाड़ियाँ दिल्ली जा रही है, उनको क्वारंटीन नहीं दिया जा रहा है। केवल हमारे उत्तराखंड में टैक्सी का जो चालक है हमारे, उन लोगों को ये 14 दिन का क्वारंटीन दे रहे हैं, जो कि हम लोग यहाँ से अपना मेडिकल करा के भी जा सकते हैं, उसके बाद भी हमें ये क्वारंटीन दे रहे हैं। तो ये हमारी मेन मांगे हैं। अच्छा। दूसरा, हमारा साल भर का टैक्स माफ होना चाहिए और हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल भी नहीं चल रही और इस वाले तो पास आने भी नहीं दे रहा है। ये प्रशासन को हमारी बात माननी चाहिए क्योंकि अदर राज्य से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, दिल्ली से आ रही है, हरियाणा से आ रही है, वहाँ कोई क्वारंटीन नहीं है और वो जस्ट डबल ट्रिपल पैसों में यहाँ पे आ रहे हैं और हमारे ही जो उत्तराखंड के वासी हैं उनसे 3 गुना पैसा लिया जा रहा है और जो कि हम 1 गुना पैसे में उनको दिल्ली से ला सकते हैं। अच्छा, अभी जो स्थिति बनी हुई है, जो कितने यहाँ लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, पर्यटक कितने आ पा रहे हैं या लोकल की सवारियाँ अभी कितनी हो पा रही हैं? सर, लोकल की सवारी तो यहाँ पे नहीं चल रही है। जो पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक तो 0 है और जो प्रवासी लोग आ रहे हैं उनको हमें नहीं लाने दिया जा रहा है। और जो प्रवासी आ रहे हैं उनको हरियाणा वाली गाड़ियाँ आ रही हैं और जो फर्जी पास पे आ रही हैं, एक गाड़ी हमने कल यहाँ पकड़ी भी थी और जो शासन स्तर पर उसका हमने चालान भी करवाया। और बच्चा जरा टैक्सी चलाता खा रही, बाप उसका है नहीं, कैसे पालेंगे, मतलब घर से किससे भीख मांग के खाए हम लोग, कहीं से हमको कुछ का कहीं का कोई जुगाड़ दिए। हमारा एक बच्चा को मरने वाला, हमारा मकान मालिक कह रहे बिजली के बिल आ रखे हमारे सिर के ऊपर, खास से हम चुपता करें बताओ। थोड़ा सरकार को इतना राशन है तो पेट्रोलों में राशन तक जिनके सफ़ेद कार्ड है उनको धड़ाधड़ दे रहे हैं, लोग बांट रखे उठा के बाजारों में दे रहे हैं, तो जिन बेचारे के पास है नहीं वो बेचारे खास से खाए, पीले रंग का कार्ड है उस पर राशन नहीं दे रहे हम लोगों को, बोलो ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल ही इतना तो किसी को नहीं गिराना चाहिए कि बिल्कुल गिरा कर रख दिया।